आपने क्या लिखा, कैसे लिखा, कैसे प्रेरणा मिली, मैं आपके लिए दो पंक्तियां निवेदन कर देता हूँ। इस दीपक की लौ में सूरज को ढाला जाएगा, देखना इसका उजाला बहुत दूर तक जाएगा। हर्षिता गुड इवनिंग एवरीवन, रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट और रेस्पेक्टेड मेंबर्स, मैं क्या बोलूँ, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि मैं इतने बड़े साहित्यकारों के साथ स्टेज पर बैठी हूँ। तो इसका पूरा श्रेय मैं मेरी प्रिंसिपल मैम मिसेस वाला जिंगर मैम को देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि बोलते हैं कि कामयाबी के पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है, लेकिन मेरे पीछे छोटे छोटे लोगों का हाथ है। जैसे कि मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। और प्रिंसिपल मैम ने मुझे हर एक्टिविटी में आगे रखा है, बहुत ही गाइड किया है। हर एक्टिविटी में मुझे अच्छे से मतलब समझाया कि किस तरह से क्या करना है। उन्होंने मुझे इसी एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छे से प्रोत्साहित किया था, जिसकी वजह से मैं जयपुर गई और सभी के सामने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से सम्मानित किया गया। इसलिए थैंक यू सो मच मैम। और मैं मेरा सम्मान मैम को देना चाहती हूँ। सो प्लीज मैम, आप स्टेज पे आओ और मैं चाहती हूँ कि मैं आपका सम्मान। प्लीज मैम, आप एक बार आ जाए। नहीं, मैं देना चाहती हूँ। शिष्य के लिए अपने गुरु के सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं होता। और जब हम नवाबगुरु की बात करते हैं तो उनके जीवन में गुरु का बड़ा योगदान होता है। जब शिष्यों को अवसर मिलता है लिखने का, पढ़ने का, आगे बढ़ने का, तो उसमें गुरुओं की ताकत बहुत होती है। हम और आप सब किसी गुरु के मार्गदर्शन में बड़े हुए हैं, लिखने की कदर की है। और पता है कि बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि रास्ता दिखाने वाला, मार्ग बताने वाला, समझाने वाला बहुत जरूरी है। अब आज की सम्मान श्रृंखला के अंतिम पायदान।